गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ छाछ, और जिससे निकलेगा फिर मक्खन, और फिर निकलेगा घी। तो ये देखिए, मैं इलेक्ट्रिक मशीन से बनाने जा रही हूँ छाछ। तो ये मैंने ऑन कर दी है इसको, और ये देखिए हमारा छाछ बन रहा है। इलेक्ट्रिक मशीन है ये, और यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर मेरी बेटी जो है वो मस्ती कर रही है, सुबह का आनंद ले रही है ठंड में। तो ये देखिए, और ये मेरा भतीजा है, ये कुछ लेकर आया है, थैली में कुछ दिख रहा है। तो अब ये जो इधर लेकर आएगा तब पता चलेगा आखिर ये क्या लेकर आया है। तो देखिए, यहाँ पर छाछ बन रही है, और मैं इसको क्या एक और जो स्विच है पास में उसको दबा दूँगी, क्योंकि पहले ये क्लॉकवाइज चल रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी। क्योंकि छाछ में जो है हम ऐसे ही बनाते हैं, तो मशीन में भी ऐसे ही स्विच होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो भतीजे हैं और मेरी बेटी है, ये सभी क्या नाश्ते करने में लगे हुए हैं। ये नाश्ता लेकर आया था, और ये नाश्ते में लेकर आया है पोहा, समोसा और जलेबी और भजिए, ये चीज़ें लेकर आया है नाश्ते में, और सब बैठकर कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ छाछ को कि आया है या नहीं आया है मक्खन। तो देखिए, मैंने देखा तो ये मक्खन अभी नहीं आया है, तो मैं इसको वापस रख देती हूँ और स्विच ऑन कर देती हूँ। तो ये स्विच ऑन कर दिया है मैंने, और ये देखिए, मैं इसमें और पानी ऐड कर दूँगी गरम, ताकि ये क्या मक्खन जल्दी से आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मशीन उठाकर देखा है, तो अभी मक्खन नहीं आया है, तो इसमें मैं कुछ पानी ऐड और कर दूँगी। तो अभी मैंने देखा है, तो ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, मतलब मक्खन आने में कुछ ही समय बाकी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको नीचे रख कर के इसमें और पानी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। तो ये देखिए, मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, ये थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है मैंने, ये देखिए। तो अब मैं वापस से मशीन को रखकर इसमें इसको चालू कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने चालू कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो बटन हैं, एक तो है जो ऑन करने का है, और एक जो है वो मशीन को घुमाने का है। मतलब पहले मशीन सीधी दिशा में घूमती है, और फिर हम स्विच दबा देते हैं, मतलब बटन दबा देते हैं, तो वो उसके विपरीत दिशा में घूमने लगती है, जिससे क्या मक्खन निकलता है हमारा। तो जो रई होती है उससे भी इसी प्रकार से मक्खन किया जाता था, जो पहले मिट्टी के घड़ों में जो बनाया करते थे। लेकिन आजकल क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो चल गई हैं, तो हम मशीन से करने लगे हैं स्टील के बर्तन में। तो ये देखिए, यहाँ पर मक्खन आ चुका है दोस्तों। तो लेकिन ये अच्छे से नहीं आया है, तो इसमें थोड़ा पानी ऐड और कर देंगे, जिससे कि ये अच्छा गाढ़ा हो जाए, और हमको मक्खन लेने में, मतलब इकट्ठा करने में आसानी हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं एक लोटा पानी और डाल देती हूँ इसमें। तो देखिए, इस प्रकार का पतला मक्खन है अभी, फिर क्या जो गाढ़ा हो जाएगा ये जो मक्खन। तो ये देखिए, मैंने मशीन को ऑन कर दिया है, अब मैं देख लेती हूँ कि मक्खन अच्छे से आया है कि नहीं आया है। तो ये देखिए, मैंने मशीन को देखा है उठा करके, तो ये मक्खन अच्छे से आ गया है, ये देखिए गाढ़ा भी हो गया है। तो अब मैं इसका स्विच निकाल देती हूँ, और फिर मक्खन को निकाल लेंगे हम, जो पास में कटोरा रखा है उसमें। तो ये देखिए, मैंने स्विच को निकाल दिया है, और अब अच्छे से मक्खन निकाल लेंगे हम इसको। तो ये देखिए, इसमें मैं पानी डाल दूँगी, इसमें जो मक्खन लगा हुआ है मशीन में, इसको पानी डालने से क्या ये जो बटलोई है, तमेड़ी है, इसमें गिर जाएगा मक्खन, और हम आसानी से मक्खन निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने पानी डाला है, तो ये मक्खन उसी में गिर गया है। अब जो मक्खन मशीन पर लगा हुआ है, उसमें भी इसी प्रकार से पानी डालकर उसको बटलोई में गिरा देंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से, ये देखिए, मैंने पानी डालने के बाद ये जो मक्खन है वो बटलोई में गिर गया है, और अब मैं इस कटोरे में जो है वो मक्खन निकाल लूँगी इस प्रकार से। तो ये देखिए, अच्छे से मक्खन आ गया है, और ये देखिए बहुत गाढ़ा भी हो गया है, और मतलब आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, मशीन से मैं इस प्रकार से मक्खन निकाल लूँगी, जो मशीन पर थोड़ा बहुत मक्खन लगा हुआ है। पानी से क्या सारा मक्खन नहीं निकला था, तो इसको क्या हाथ से निकालना पड़ेगा। ये इस प्रकार की होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिससे कुछ ही समय में हम आसानी से छाछ बना सकते हैं। तो पहले क्या रई चलती थी, और उससे हाथ से जो रस्सी बांधकर रई से हाथ से मक्खन किया जाता था, छाछ किया जाता था। आजकल क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल गई हैं, जिनसे बहुत कम समय में हम छाछ बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं मक्खन निकाल लेती हूँ अब इस बटलोई में से। तो इस प्रकार इसकी कोर में जो लगा हुआ है, तो इसको भी निकाल लूँगी मैं। और ये देखिए, मैं इस प्रकार से थोड़ा इसको टेढ़ा करके और इसमें से क्या मक्खन निकाल लूँगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छा मक्खन आ गया है, बहुत ही कम समय में, और बहुत जल्दी से मतलब आ गया है मक्खन।
और ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। तो ये देखिए जो इसमें मक्खन में कुछ छाछ है वो मैं इस प्रकार से हिला डुला करके उसमें पटलोई में ही गिरा दूँगी, फिर भी कुछ छाछ आता है साथ में। तो ये देखिए मैं इस प्रकार से मक्खन निकाल लूँगी बटलोई में से, कुछ छाछ जो आता है उसको इस प्रकार से हम उसी में गिरा देंगे और इस प्रकार से हाथ से हम मक्खन निकाल लेंगे। और इस जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी मक्खन आ गया है और हमारे समय की बचत भी होती है। और ये देखिए मक्खन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत गाढ़ा मक्खन हो गया है। जो हम ठंड में छाछ बनाते हैं उसमें क्या गर्म पानी की ज़रूरत होती है और मैंने इसमें गर्म पानी डाला है तो ये बहुत जल्दी आ गया है और बहुत गाढ़ा भी हो गया है। तो देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कितने अच्छे से और कितनी जल्दी हमारा जो मक्खन है वो आ गया है। तो ये देखिए बहुत अच्छा मक्खन आया है और अब इसमें जो छाछ है वो मैं इस प्रकार से भटलोई में वापस से गिरा देती हूँ और जो मक्खन वापस से जा रहा है उसको मैं हाथ पर इस प्रकार से लेते हुए और वापस से कटोरे में डाल दूंगी। और ये देखिए इस प्रकार से हम जो छाछ है कटोरे में एक्स्ट्रा उसको वापस से भटलोई में इस प्रकार से गिरा देंगे। तो ये देखिए हमारा मक्खन बनकर तैयार है और हम इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें से घी निकलेगा। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी और बहुत ही बढ़िया मक्खन आया है हमारा। ये देखिए सारा मक्खन निकाल लिया है मैंने यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छे से आ गया है। तो ये देखिए मक्खन बहुत अच्छा लग रहा है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें से घी निकल आएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।